अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को शरारा यानी कि लहंगा सही करने का तरीका बताऊंगी, यानी साइड से सिलाई लेने का। देखिए इस तरह ये जो शरारे का हिस्सा है ये फोल्ड करके इस तरह सिया हुआ रहता है। जब हमें शरारा पैक करना होता है तब हम इसकी सिलाई को खोल लेंगे। खोलने के बाद इसके अंदर माया होता है, उस पर हम सिलाई करेंगे। तो पहले हम इसके किनारे की सिलाई को पूरा खोल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर कैन कैन नेट होता है मोटा, तो सुई से हमें सिलाई करने नहीं आता है। इसके लिए हम इसे खोल लेंगे। देखिए इसमें हमने इस तरह सिलाई खोल ली है। ये अंदर का कैन कैन नेट है, फिर इसके अंदर अंदर साइड में ये बकरम की तरह कपड़ा है, तो इसे इस तरह हमने दोनों साइड में खोल लिया है। अब हम इसकी सिलाई करने का तरीका बताएंगे। देखिए हमने नीचे की तरफ सिलाई खोल ली थी, अब हम ये नेफे का है, नेफे के पास क्या करेंगे, ये नाड़ा डालने का है अंदर के साइड, तो इसे हम क्या करेंगे, ये नेफे के पास के हिस्से को छोड़कर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह है, सिलाई लगाते जाएंगे हम नीचे तक। देखिए अब जो हमने खोल कर रखा हुआ था हिस्सा, यानी नीचे जो कड़क कैन कैन नेट की जाली का हिस्सा है, देखिए इसमें इस तरह फोल्ड है, तो हम इसे इस तरह ओपन कर लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा नेट है वो कट कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने ये जो नेट एक्स्ट्रा थी वो कट कर ली है। अब इस तरह हमने ये नीचे का नेट का कपड़ा है अस्तर का, इसे ओपन कर लिया है, और इस वेलवेट का कपड़ा जो अंदर फोल्ड है इसे भी हम ओपन कर लेंगे। इसी तरह हम ऊपर के कपड़े को भी, वेलवेट के कपड़े को और अस्तर के कपड़े को जो अंदर फोल्ड है इसे ओपन कर लेंगे। यानी कि ये फोल्ड रहने से बहुत मोटा हो जाता है, जिस पर कि मशीन नहीं चला सकते हैं, तो इसे हम ओपन करके सिंगल बना लेंगे। यानी इस तरह अलग कर लेंगे और इस पर कैन कैन नेट का इस तरह बिछा देंगे और इसे सिलाई लेंगे साइड से आधा इंच की मार्जिन पर। देखिए वजन से ये नीचे की तरफ होता है, इसलिए हम इसे इस पूरे लहंगे को ऊपर साइड रख लेंगे। अब हम इसकी सिलाई लेंगे, इसे रुकाते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए इसे हम पूरा ओपन करने से हमारी ये मशीन की सिलाई इस पर इजी चलेंगी, वरना ये इतना मोटा हो जाता है कि इस पर स्टिचिंग करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम इसे वो खोल कर सिलाई करनी है। पूरा कंप्लीट, देखिए ये एक्स्ट्रा है बहुत, इसे मैं यहाँ से कट कर लूंगी। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा मोड़ा हुआ है, इसे भी हम सिलाई कटर की मदद से इसे ओपन कर लेंगे, यानी कि सिलाई को खोल लेंगे। देखिए इस तरह हमने इसे भी सिलाई खोल ली है। अब हम इसे इस तरह रखते हुए बराबर में रखेंगे, दोनों कपड़ों को रखते हुए बिल्कुल ऊपर का कपड़ा भी इसी तरह रखते हुए आधा इंच या एक इंच से मार्जिन से सिलाई ले लेंगे। देखिए इस तरह हमने ये एक सिलाई कर ली है, यानी कि ये पैक हो चुका है। अब हम दोबारा ऊपर से और एक सिलाई करेंगे इसके साइड से। देखिए इसमें हम थोड़ा अंदर से सिलाई चालू करेंगे, ये सिलाई करेंगे इसके अंदर से थोड़ा। दोनों सिलाई हमारी अलग अलग होनी चाहिए। इसी तरह हम पूरा नीचे तक सिलाई कर लेंगे। अब हमारी ये सिलाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस शरारे को सीधा करके देखेंगे। देखिए इस तरह हमने इसे सीधा कर लिया है, तो ये साइड से आसानी से पैक हो चुका है। इस तरह आप घर में अपना लहंगा फिटिंग कर सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।